भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर के बेटे हुमायूं की जिंदगी में कई बुरे दौर आए। इन्हीं बुरे दौर में उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बुरे दौर की वजह बना शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को 1539 में हुए चौसे के युद्ध में हराया और गद्दी से बेदखल करके मुगल साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। अफगान सैनिकों ने पूरी रणनीति के तहत हमला किया ताकि मुगलों को बचने का मौका न मिले, खेल खत्म हो जाए, और ऐसा हुआ भी। जंग हारने के बाद हुमायूं को जान बचाने के लिए दर बदर भटकना पड़ा। हुमायूं भटकते हुए अपने सौतेले भाई हिंदाल के पास पहुंचा। मुगलों की तहत हिंदाल का हरम भी खूबसूरत महिलाओं से भरा पड़ा था। उनमें से एक थी हमीदा बानो। दोस्तों, इनकी लव स्टोरी जानने से पहले थोड़ा हमीदा बानो बेगम के बारे में जान लेते हैं। हमीदा बानो बेगम का जन्म 1527 में हुआ था। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उन्हें उस दौर की किताबों के संग्रह का शौक था। उनके पास कई विषयों की अलग अलग किताबें थी। कहा जाता है कि उन्हें उस दौर के हिंदुस्तान के बारे में जानने में दिलचस्पी थी। हमीदा बानो बेगम हिंदाल के गुरु की बेटी थी और एक सिया खानदान से ताल्लुक रखती थी। हिंदाल के हरम में रहने वाली हमीदा बानो को देखते ही हुमायूं का दिल उस पर आ गया। 14 साल की हमीदा बला की खूबसूरत थी। जिस वक्त दोनों की पहली मुलाकात हुई, उस वक्त हुमायूं की उम्र 33 साल थी। पहले तक तो और अब हमीदा के सामने हुमायूं अपना दिल हार बैठे। पहली मुलाकात के बाद हुमायूं अपने खेमे में लौटे, लेकिन अपने जहन से उसे निकाल नहीं पाए। भाई के पास रहने के कारण हुमायूं का हिंदाल के हरम में आना जाना लगा रहा। एक दिन हुमायूं ने हमीदा से पूछा, तुम कौन हो? और जवाब मिला, मीर बाबा दोस्त की बेटी। यहीं पर बातचीत खत्म हो गई। हुमायूं समझ गए थे कि बात इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने वाली है, इसलिए हार नहीं मानी। हमीदा को अपना बनाने के लिए उसने घर वालों को अपनी तरफ करने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन हुमायूं हमीदा के भाई मुअज्जम से जोर जोर से बोलने लगे, अब तो हमारी रिश्तेदारी होने वाली है। इस दौर हुमायूं की नजरें हमीदा की तरफ रही। हुमायूं यह कहकर अपने शिविर में चले गए और अगले दिन की रणनीति बनाने लगे। हमीदा के करीब पहुंचने के लिए सुबह होते ही हुमायूं अपनी सौतेली माँ दिलदार बेगम से मिलने पहुंचे। वो माँ जिसको वो कई अरसों से नहीं मिले थे और न ही मिलना चाहते थे। हुमायूं को यह बाखूबी मालूम था कि सौतेली माँ हमीदा को पाने में उसकी मदद कर सकती है। हुमायूं माँ से मिलते ही उनके कदमों में जाकर बैठ गए। हमीदा से निकाह करने के लिए माँ से पैगाम भेजने को कहा। दिलदार बानो बेगम यह सुनकर चौंक गई, लेकिन सौतेले ही सही, बेटे की खुशी के लिए मन को मनाया। लेकिन वो जबरदस्ती निकाह के लिए हमीदा पर दबाव नहीं डालना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी कम उम्र की लड़की की शादी अधेर उम्र के शख्स के साथ हो, वो भी ऐसा हारा हुआ शख्स जिसका भविष्य खतरे में हो। दिलदार बेगम के बाद जब हिंदाल को यह बात पता चली तो वो चौंक गया, क्योंकि हमीदा उस शख्स की बेटी थी जिसने हिंदाल को तालीम दी थी। चूंकि यह साम्राज्य हिंदाल का था, इसलिए आखिरी फैसला भी उसी का मान्य था। हिंदाल ने हुमायूं को साफ तौर पर कहा, यह रिश्ता आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमीदा के पिता ने मुझे तालीम दी है और वो मेरे लिए छोटी बहन जैसी है। आपके और हमीदा के बीच उम्र के फासले पर गौर करने की जरूरत है। और जब ये बात हमीदा तक पहुंची तो दिलदार बेगम ने हमीदा से पूछा कि क्या वो हुमायूं को अपना सौहर बनाना चाहेगी। इस पर हमीदा ने साफ मना कर दिया। इसके बावजूद हमीदा को शादी का पैगाम भेजा गया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। हुमायूं ने हार नहीं मानी। भले ही सल्तनत हार चुके थे, लेकिन खुद को बादशाह समझते थे। ना सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए हमीदा के ना कहने पर वो तिलमिला उठे। हुमायूं ने हमीदा से खुद बात करने का फैसला लिया। बात हुई तो हमीदा ने कहा कि अगर हरम की कोई महिला बादशाह को मना करती है तो उसूल के मुताबिक बादशाह को उसकी बात मान लेनी चाहिए। यह जवाब सुनकर हुमायूं गुस्से से तिलमिला उठे। हुमायूं ने अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए निकाह कराया। बादशाह के आगे हारी हमीदा को निकाह करना पड़ा, लेकिन हमीदा कभी हुमायूं को मन से स्वीकार नहीं कर पाई।
कहा जाता है कि हमीदा बानो की झलक उनके बेटे अकबर में दिखती थी। इन्हें मरियम मकानी की उपाधि मिली। इस उपाधि को अकबर बादशाह ने अपनी माँ हमीदा बानो बेगम को दिया था। हुमायूं की मृत्यु। कहा जाता है कि 1555 में हुमायूं ने अफगानों को हराया और मुगल सिंहासन को दोबारा पा लिया। 6 महीने के बाद 1556 में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई थी। हुमायूं का मकबरा। दिल्ली भारत में मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। हुमायूं की पहली पत्नी महारानी बेगम जिसे हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है के द्वारा बनवाया गया था। हमीदा बानो बेगम की मृत्यु। कहा जाता है कि हमीदा बानो बेगम की मृत्यु 29 अगस्त 1604 में हुई थी और जिनकी कब्र दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन इलाके में बने हुमायूं के मकबरे में आज भी मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।